कभी भी ओवर एस्टिमेट मत करना और जितने और बचे दिन हैं उनको अंडर एस्टिमेट मत करना। मीन्स एक दिन में हम सोचते हैं कि हम ये सब कर डालेंगे, फिर वो हो नहीं पाता है, हम लोग एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब बड़ा ख़राब लगता है कि यार ये सारी चीज़ें हो नहीं पाई, अब हम कैसे करेंगे कैसे करेंगे। एक दिन में तो हम सोचते पूरा पहाड़ चढ़ जाएंगे, वो बाकी के दिन है उनको सब भूल ही जाते हैं कि नहीं अभी ये भी तो दिन है, इनमें भी तो टाइम है, अभी इसमें भी तो हमको पढ़ाई करनी है। तो आराम से उतना ही तैयार करना जितना जितना एक दिन में आपको तैयार हो पाता है, जितना बच जाता है वो नेक्स्ट डे फिर तैयार करना। ऐसे ही जब तक एग्ज़ाम की डेट आ नहीं जाती, जब तक एग्ज़ाम 5 मई को है ना, तो जब तक देने नहीं जाते हो तब तक ऐसे ही पढ़ाई करते रहना। जितना एक दिन में मैक्सिमम हो जाए उसको उतना खींच लेना, परेशान नहीं होना कि मेरा ये नहीं हुआ। सारी चीज़ें हो जाएंगी जब तक आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना। अभी आपको लगेगा कि मेरा ये छूटा है, हाय मेरा वो छूटा है, ये सब छूटा है, पर जब वहाँ पे जाओगे ना लास्ट डे 5-4 मई को जाओगे तो क्या पता आपका ना सारी चीज़ें हो जाए। तो रिलैक्स रहना, पेशेंस जरूर रखना और जितना टाइम है ना उसमें जितना बेस्ट कर सकते हो उतना करने की कोशिश करना। डर जाओगे तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे, बट अगर बिना डरे करते रहोगे तो उसी को बोलते ना कि जो इतने सारे दिन है उनको अंडर एस्टिमेट मत करना। सारे दिन जो होते हैं ना, कभी कोई दिन बहुत हैटिक हो जाते हैं, कभी किसी दिन में बहुत सारा टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन का, तो बिल्कुल ऐसे ही चलता रहता है और प्रिपरेशन करते रहना। अपनी होप मत खोना और परेशान मत होना, 250 मार्क्स आ रहे हैं तो क्या पता तुम मेहनत करते रहो और लास्ट में तुम ही डॉक्टर बन जाओ। बस लगे रहना, जैसे कछुआ था ना, वो चलता रहा और फाइनली वही जीत गया। तो ये मत सोचना कि मेरे दोस्त का इतना हो गया, उनका इतना हो गया। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन अदर, बिकॉज कंपेरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय। आपको जो भी चीज़ें तैयार हैं वो सारी भूल जाओगे और नेगेटिव थाट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो ये फालतू का बिल्कुल भी मत सोचना। अच्छे से तैयारी करना, रिलैक्स होकर तैयारी करना जितना मैक्सिमम कर सकते हो। भाई लड़ने तो जा ही रहे हो, 5 तारीख को तो तुम्हारी लड़ाई है, तो उस लड़ाई में ना जितना बेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एक साल का जो अभी तक सारी चीज़ें की थी, तैयारी की थी ना, उसका वो दिन आपको दिखाना है कि आपने क्या तैयारी की, कैसे तैयारी की। तो बिल्कुल बेस्ट, बिल्कुल जैसे प्रैक्टिस होती है ना, प्लेयर होता है खूब सारी प्रैक्टिस करता है फिर फाइनल मैच खेलता है, और फिर फाइनल मैच में क्या करता है, वो अपना जितना बेस्ट दे सकता है वो देता है। हारता है जीतता है वो बात की बात है, बट बिल्कुल रिलैक्स होकर सेम वही कंडीशन आपको करनी है। डरना नहीं है बिल्कुल नहीं डरना है। जितने दिन मिले ना उतने दिन में, एक एक दिन में जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना करना, जितना छूट जाए नेक्स्ट डे करना। ऐसे करते करते 4 मई तक करना, 3 मई तक करना, फिर रिलैक्स रहना, 5 को फ्री होके पेपर देना, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय।